नमस्कार, आप सभी का बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएगा और आपके पेपर का मोड क्या होगा, यानी पेपर आपका ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से, एक खबर के माध्यम से मैं आपको इसमें अपडेट करने वाला हूँ। यानी एक पेपर में एक खबर छपी है, वो खबर मैं आज आपको पढ़ करके सुनाने वाला हूँ। उसके बाद उस खबर पर आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा, यानी पूरी चीज़ें उसमें समझाऊंगा कि उस खबर के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारे इस चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, लगातार बीएचयू से रिलेटेड अपडेट, सूचनाएं और जानकारियां समय पर और सही जानकारियां यहां पर आपको मिलती रहेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर इस समय पूरी पेपर कटिंग शो कर रही है, मैं ये पूरी खबर आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। उसके बाद इस पूरी खबर को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा भी, इसलिए सबसे पहले पूरी खबर को सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि इस खबर के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। पूरी तरह डिजिटल होगी बीएचयू की प्रवेश परीक्षा। बीएचयू में सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तैयारी जारी है। कोरोना के मद्देनजर आवेदन पत्र भरने से लेकर परीक्षा परिणाम तक सब ऑनलाइन ही होगा। एक तरह से इस वर्ष प्रवेश परीक्षा पूर्ण रूप से डिजिटल होगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रवेश परीक्षा प्रभावित न हो, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय स्तर पर ऑफलाइन परीक्षा कराने के भी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। यूजीसी द्वारा वर्तमान सत्र के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रवेश परीक्षाएं कराने की अधिसूचना करने के बाद बीएचयू प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा विभाग ने सूत्रों के अनुसार अगस्त के पहले सप्ताह में किसी भी दिन सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए फॉर्म बीएचयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। प्रवेश फॉर्म के साथ शुल्क जमा करने का जो विधि होगा वो भी ई पेमेंट के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सितंबर के मध्य तक सभी प्रवेश परीक्षाएं कराने के बाद माह के अंत तक परिणाम भी घोषित होंगे, ताकि निर्देशानुसार अक्टूबर से नए सत्र की शुरुआत की जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको पूरी खबर पढ़ करके सुना दिया, अब इस पूरी खबर की जो डिटेल है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा है पूरी तरह से डिजिटल, यानी पूरी तरह से ऑनलाइन कराने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, जरूरी है ये भी है कि कुछ सेंटर जो बीएचयू कैंपस के अंदर होते हैं उनको ऑफलाइन भी देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन एक तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपकी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन ही होगी, रिजल्ट आपका ऑनलाइन ही आएगा। ये सारी चीज़ें, काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन ही कराई जाएगी, यानी आपका जो पूरा प्रेफरेंस एंट्री वाला सारी चीज़ें भरने का काम होता है वो काउंसलिंग वगैरह का सारा ऑनलाइन होगा। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ते हैं इस खबर में तो आपको देखने को मिलेगा कि अगस्त के पहले सप्ताह में आपका फॉर्म आने की पूरी संभावना है। जैसा कि लगातार आपको बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले वीक में फॉर्म, जुलाई के लास्ट तक जाते जाते अगस्त के पहला वीक शुरू होते होते आपके फॉर्म आ जाएंगे, तो इसमें भी यही कहा जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका फॉर्म आ सकता है। उसके बाद इसमें एक खबर बताई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि 15 दिन अधिकतम आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का। चूंकि जितने परीक्षाएं इस समय एनटीए करा रहा है, इसमें ये देखा जा रहा है, चाहे आईएमसी का फॉर्म आया हो या फिर जो भी फॉर्म आया हो, इस समय सिर्फ 15 दिन का समय दिया जा रहा है। चूंकि सभी का सेशन लेट हो चुका है, इसलिए फॉर्म भरने का बहुत अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। तो बीएचयू भी आपको 15 से 20 दिन का समय देगा, यानी लगभग 20 से 25 अगस्त तक आपको समय मिल सकता है फॉर्म भरने का। उसके बाद प्रवेश परीक्षा फॉर्म का जो पेमेंट होगा वो भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। उसके बाद प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के कहा जा रहा है कि मिड सितंबर तक प्रवेश परीक्षाएं समाप्त कराने का प्रयास किया जाएगा। वैसे ये जरूरी नहीं है कि ये चीज़ फॉलो हो सके, ये चीज़ें थोड़ा सा आगे डिले जरूर होंगी। मिड सितंबर तक ऐसा नहीं है कि पूरे प्रवेश परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन इस खबर के माध्यम से जो कहा जा रहा है वो खबर मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन आप सभी ये रहे कि आप पहले सितंबर से एग्जाम देने के लिए तैयार रहें, यानी आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म का इंतजार करें। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त के आसपास आने की संभावना समझ लीजिए, और उसके बाद 1 सितंबर के आसपास आप बिल्कुल अपनी तैयारी रखें कि 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो सकता है। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत लंबा गैप नहीं दिया जाएगा, सभी को लगातार एंट्रेंस पर एंट्रेंस होगा। हो सकता है कि एक एक दिन में कई कई एंट्रेंस कराए जाएं, यानी बीएचयू पूरी तरह से तैयारियों में है कि जल्द से जल्द एंट्रेंस को कराया जाए। क्योंकि यूजीसी ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जिसमें अगले सेशन को अक्टूबर से शुरू करने की बात की गई है, इसलिए सारी प्रक्रियाएं जल्दी की जाएंगी। इसलिए आप सभी को भी तैयार रहना होगा और आप सभी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है उस समय को यूटिलाइज कीजिए। ऑनलाइन कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना लीजिए, ताकि आप आगे आने वाले एंट्रेंस में काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बीएचयू स्टडी कैपिटल भी आपको ऑनलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज दोनों चीजें प्रोवाइड कराता है। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं आपकी स्क्रीन पर जो चीजें शो कर रही है उसके माध्यम से आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।